वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक दैट इज व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल ट्रेड और द एक्सटर्नल ट्रेड, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो स्टडीड व्हाट आर द डिफरेंट रीजन फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड अ टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेज डोमेस्टिक बिजनेस. ओके, so in the reason for the international businesses, why we prefer to do the international business are that the country cannot produce equally well or the cheaply all that they need. okay, ki har ek country kya hai, har product ko equally produce nahi kar sakti aur cheap amount pe produce nahi kar sakti hai, so that the country prefer to do the to import the goods from the other country, as well as there is unequal distribution of the natural resources among the different countries. कि different जो countries होते हैं उनके यहाँ जो भी natural resources होते हैं वो भी क्या होते हैं, equally distributed नहीं होते. कुछ country क्या हैं, कुछ resources में ज़्यादा abundant होते हैं और कुछ किसी country में कुछ resources क्या होते हैं, abundant होते हैं. तो हर तरह के प्रोडक्ट, हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हर एक कंट्री में क्या होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं. एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द रॉ मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट नेशंस. ओके, जो भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वट एवर दे आर यूजिंग फॉर द प्रोड्यूसिंग द कॉमोडिटी, दे ऑल आर ऑल्सो द डिफर अमंग दी डिफरेंट नेशन. डिफरेंट नेशन में क्या होते हैं, ये सब डिफर भी होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस इन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. ओके, कि जो भी लेबर में भी उनके डिफरेंस होता है कि जहाँ पे वो जो काम कर रहे हैं, एज वेल एज प्रोडक्टिविटी की, कि वो कितना कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो भी कॉस्ट एंकर करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द कॉमोडिटी, इट इज़ ऑल्सो द डिफर अमंग द डिफरेंट नेशन. And there is not even a single country which is in better position to produce better quality product at the lower cost. कोई ऐसी एक single country हम नहीं कह सकते कि वो क्या है, एकदम perfect है. मतलब हर उसकी country में हर एक product क्या है, better position में है, and along with the better quality of the product and with the production cost is also too much low. जो production cost है वो भी एकदम low है. ऐसा कोई भी एक किसी भी एक कोई सिंगल कंट्री नहीं है. सो एज अ रिजल्ट ईच कंट्री फाइंड इट्स सॉरी एज अ रिजल्ट ईच कंट्री फाइंड इट्स एडवांटेजियस टू प्रोड्यूस दोज सेलेक्टेड गुड्स और सर्विसेज दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली एंड इफिशेंटली. ठीक है, हर एक कंट्री क्या है, फाइंड करती है एडवांटेजियस टू प्रोड्यूस दोज सेलेक्टेड गुड, उन सारे गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विस को, जिसमें वो क्या हो, दे आर मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. ठीक है, वो उन्हीं प्रोडक्ट को क्या करना चाहती है, प्रोड्यूस करनी चाहती है एंड प्रोक्योरिंग रेस्ट थ्रू ट्रेड विद दी अदर का. और जो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है वो क्या सोचती है कि वो अदर कंट्री से क्या करेगी, उसको ट्रेड के थ्रू अपनी कंट्री में मंगा लेगी. विच द अदर कंट्री कैन प्रोड्यूस दी लोअर कॉस्ट, जो अदर कंट्री क्या है, लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस करें. वेदर मे भी ये चांस हो सकती है कि उसके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो जिससे वो कमोडिटी प्रोड्यूस करेगी. अगर वो बहुत ट्राई करती है बट ट्राई टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी, बट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दी दोज कमोडिटी इज़ वेरी लार्ज, सो दैट इन दैट केस एनी कंट्री प्रेफर टू इम्पोर्ट दी गुड्स और दी ट्रेड दी गुड्स फ्रॉम दी अदर कंट्री वेयर दोज प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद दी लोअर कॉस्ट, की उस कंट्री में वो प्रोडक्ट क्या है, लोअर कॉस्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई कंट्रीज ट्रेड विद दी ईच अदर. ठीक है, यही रीज़न है जिसकी वजह से कंट्री क्या है, एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है एंड इंगेज इन द इंटरनेशनल बिजनेस, और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, वो इंगेज है. दीज ऑल आर द बेसिक रीज़न फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, एज वेल एज द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेज डोमेस्टिक बिजनेस. ओके, कि दोनों में क्या ऐसा है, कि क्यों एक दूसरे के हम उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, क्यों वो एक दूसरे के वर्सेज शो कर रहे हैं. सो कंडक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द डोमेस्टिक बिजनेस. ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस को कंडक्ट करना
वो क्या है, डोमेस्टिक बिजनेस के कंडक्ट करने से बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दी वेरियस वेरिएशन इन दी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसलिए क्योंकि हर एक कंट्री का अपना इकोनॉमिक, सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारे क्या होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जैसा इंडिया का कल्चर है वैसे ही हम किसी जापान का भी कल्चर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के कल्चर, यहाँ की जो सोशियो इकोनॉमिक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ पुअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अदर कंट्री में क्या है, दे आर डेवलप्ड एज वेल एज़ उनकी पॉपुलेशन भी क्या होती है वहाँ पे कम होती है, तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या हैं, हम अलग हैं और वो अलग हैं। तो सब में क्या होता है, हर एक कंट्री का वेरिएशन होता है। और मे बी उन कंट्री में क्या हो, जापान में बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, सब कुछ अवेलेबिलिटी है, बट जो हमारे इंडिया में वो उनके यहाँ ना हो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि वेरिएशन इज़ एवरीवेयर। सो टू बी सक्सेसफुल दे हैव टू प्लान देयर प्रोडक्शन। उसमें अगर सक्सेसफुल किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस कोई करना चाह रहा है तो उसको, अगर उसको सक्सेसफुल करना है तो दे हैव टू प्लान, उनको पहले प्लान करना पड़ेगा कि किस कॉमोडिटी को वो प्रोड्यूस करे, कौन सी कॉमोडिटी उस कंट्री में क्या है ज़्यादा मोर प्रेफरेबल है, लोग उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और मार्केटिंग कैसे है कि उस कमोडिटी की प्राइस कितना रखे। सो एनी ट्रेडर हैव टू डू ऑल दीज थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू प्लान देयर प्रोडक्शन एंड दी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ रिलेटेड टू दी ट्रेडिंग। ठीक है, सारी उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी एज़ पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ दी टारगेट फॉरन मार्केट, जो भी टारगेटेड फॉरेन मार्केट है, जिस फॉरेन मार्केट में गुड्स को हमें एक्सपोर्ट करना है, उसमें क्या करना है, हमको उनके बारे में पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि किस टाइप के प्रोडक्ट दे डिमांडेड। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग पूरी रिक्वायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी। ओके, विदाउट प्लानिंग वी कांट डू एनीथिंग। सो द की एरियाज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि ऐसी एरियाज जहाँ पे जो भी डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, तो वो कौन कौन से एरिया है। फर्स्ट वन इज़ नेशनलिटी ऑफ द बायर एंड द सेलर, कि उनकी नेशनलिटी क्या है, मतलब किस वो नेशन से बिलोंग करते हैं। सो इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस बोथ बायर एंड सेलर आर दी सेम नेशनलिटी। ठीक है, अगर बायर और सेलर, अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करते हैं, डोमेस्टिक बिजनेस कि जब हम विद इन दी इंडिया की बात करें, विद इन दी कंट्री की बात करते हैं, तो यहाँ के जो भी बायर होंगे, ठीक है, हम डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ के जो भी बायर होंगे और जो भी सेलर होंगे, उनकी नेशनलिटी क्या होगी, वो इंडिया की ही होगी। ठीक है, वो इंडिया के ही होंगे। वेयर एज इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बोथ आर डिफरेंट नेशंस एंड दी नेशनलिटी। ठीक है, वो डिफरेंट नेशनलिटी के भी होंगे और डिफरेंट नेशंस के भी होंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, अगर इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम कंट्री में ही अपनी इंडिया में इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ के जो बायर और सेलर होंगे, बायर तो यहाँ के इंडिया के इनकी नेशनलिटी यहाँ की होगी, बट प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरे कंट्री के होंगे। तो डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होगा कि दोनों ही चीज़ मतलब बायर एज वेल एज सेलर, दोनों ही क्या होंगे, सेम नेशंस के रिलेटेड होंगे एंड दे हैव ऑल्सो द सेम नेशनलिटी। बट इन द केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बोथ आर ऑफ डिफरेंट विद द सेम विद द डिफरेंट नेशंस और विद द डिफरेंट नेशनलिटी, मीन डिफरेंट दोनों ही होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नेशनलिटीज़ ऑफ द अदर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आर द एम्प्लॉयज़। कौन होते हैं स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर क्या होते हैं, जो उस बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी ट्रेड में जो सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो स्टेक होल्डर क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर हैं, शेयर्स होल्डर हैं जो शेयर्स परचेज करें, शेयर पार्टीज़ हैं जो उससे रिलेटेड हैं, जनरल पब्लिक एक्सेट्रा हु इंटरेक्ट विद द बिजनेस फॉर्म। ठीक है, उनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नेशनलिटीज़ भी ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उस कंपनी में या उस ट्रेड में काम कर रहे हैं, सप्लायर होते हैं जो कमोडिटी को सप्लाई कर रहे हैं, शेयर्स होल्डर्स होते हैं, जनरल पब्लिक होते हैं हु इंटरेक्ट विद द बिजनेस फॉर्म। उस बिजनेस फॉर्म में ये सारा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं।
सो इन केस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस ऑल स्टेक होल्डर बिलोंग्स टू दी वन कंट्री. ठीक है, जब अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, मतलब हमारी जो भी बिजनेस फॉर्म है वो डोमेस्टिक है, मतलब हम वहाँ पे इंटरनेशनल गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे वो क्या होंगे, एक ही कंट्री के बिलोंग होंगे. मतलब इंडिया की कोई अगर इंडस्ट्री है जो कोई भी बाहर अपने गुड्स को सोल्ड आउट नहीं कर रही है, तो जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ उसके होंगे, शेयर्स होल्डर्स होंगे, सप्लायर होंगे, दे ऑल आर फ्रॉम बिलोंग्स टू वन कंट्री. वो एक ही कंट्री से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे एंड शेयर दी कॉमन लैंग्वेज. और उनकी लैंग्वेज भी क्या होगी, कॉमन होगी. जैसे हम यहाँ पे हिंदी शेयर करते हैं तो उनकी लैंग्वेज भी क्या होगी, कॉमन होगी. एंड वैल्यूज़ ऑल्सो सेम, जो हम वैल्यूज़ हमारे हैं, डिफरेंट मॉरल वैल्यूज़, हमारा नेचर, बिहेवियर, हमारा कल्चर, सोसाइटी, ये सारा भी क्या होगा, सेम होगा. बिहेवियरल पैटर्न, जो हमारा बिहेवियर का पैटर्न है, इट विल ऑल्सो बी द सेम. वेयर एज़ इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, सो इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज दे हैव दी डिफरेंट वैल्यूज़, एस्पिरेशंस एक्सेट्रा. बट अगर हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस किसी और के साथ, तो वॉट वी सी दैट कि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं, स्टेक होल्डर डिफरेंट होते हैं. मतलब अगर अमेरिका में है तो वहाँ पे जो वर्किंग वाले वो मे बी इंडिया से हों, जापान से हों, चाइना से हों, तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं. उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके एस्पिरेशंस हैं, जो उनका बिहेवियर पैटर्न है, जो उनकी लैंग्वेज है, ऑल आर डिफरेंट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सो ऑल थिंग्स आर बिलोंग टू द सेम कंट्री और द वन कंट्री. नेक्स्ट वन इज मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज जनरली मोर इन केस ऑफ डोमेस्टिक फर्म एज कंपेरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस. ठीक है, जो भी मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हम लेबर्स को, कैपिटल को, एंटरप्रेन्योर को, ये इनका जो मोबाइल होता है वो क्या है, वो डोमेस्टिक फर्म में इज़ जनरली मोर इन केस ऑफ डोमेस्टिक एज कंपेरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस के कंपैरेटिवली डोमेस्टिक फर्म में ज़्यादा होता है. क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम क्या कर लिए, डिफरेंट लैंड है. अब कोई वाराणसी का पीपल है, वो क्या कर रहा है, महाराष्ट्र में क्या कर लिया है, लैंड ले लिया है. तो वो यहाँ पे छोड़ करके वहाँ पे क्या करेगा, अपने बिजनेस फॉर्म को स्टार्ट करेगा, एज वेल एज़ वो कैपिटल कहीं और इन्वेस्ट करेगा. तो यहाँ पे जितने जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, वो दे आर मोर मोबाइल इन दी डोमेस्टिक फॉर्म एज कंपेरिजन टू इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, नेक्स्ट वन इज कस्टमर हेट्रोजेनिटी एंड अक्रॉस दी मार्केट, कि कस्टमर्स कैसे होंगे. सो ड्यू टू सोशियो कल्चरल डिफरेंस, कि हर एक जो कस्टमर हैं हर एक कंट्री के, दे ऑल आर द डिफरेंट बिकॉज ऑफ उनके कल्चर अलग है, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो सोसाइटी है, दे ऑल आर डिफरेंट. तो बैकग्राउंड डिफर्स इन देयर टेस्ट. अब हम क्या हैं, जैसे हम अगर बस इंडिया में ही बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे हैं तो मे भी हमारे जो टेस्ट है, फैशन है, दे ऑल आर रिजेंबल, वो कुछ आइडेंटिकल होंगे, हमारी जो लैंग्वेज है वो सेम होगी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द डिमांड पैटर्न. और क्या होता है कि सोशियो कल्चर डिफरेंस होता है, लोगों के कल्चर में डिफरेंस होता है, बैकग्राउंड में डिफरेंस होता है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी चेंज होता है, फैशन में भी चेंज होता है, लोगों के लैंग्वेजेस में भी चेंज होता है. देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द डिमांड पैटर्न. लोगों की जो भी डिफरेंट डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट की, इट इज़ ऑल्सो बी डिफर. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियन पीपल यूज़ राइट हैंड ड्राइविंग कार, वेयर एज अमेरिकन पीपल ड्राइव लेफ्ट हैंड फिटेड स्टीयरिंग एंड ब्रेक्स. ठीक है, हम ये देखते हैं कि अगर हम एक नॉर्मल इंडिया में कार में देखते हैं, तो हमारी जो वो होती है स्टीयरिंग होती है, वो किस ओर होती है, इट इज़ इन राइट हैंड में. हम कार में बैठोगे तो आप देखोगे राइट हैंड में होती है, बट अमेरिका में जो स्टीयरिंग होती है वो कहाँ पे होती है, लेफ्ट हैंड में होती है. तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंस हैं, कि उनके जो फैशंस हैं, जो उनकी वहाँ के वैल्यूज़ हैं, जो उनके पैटर्न हैं, वो दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम आर कंट्री. सो इन अमेरिका पीपल चेंज देयर कस्टमर कंज्यूमर ड्यूरेबल इन 2 or 3 ईयर्स, वेयर इन इंडिया पीपल यूज़ इट टिल इट टोटली वॉर्न आउट. ठीक है, जो भी ड्यूरेबल, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये क्या कह रहा है कि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जैसे कोई भी ड्यूरेबल गुड्स हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स हो गई हमारे यहाँ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारे क्या होते हैं इंडिया जैसे फॉरेन में क्या होते हैं, वो लोग क्या होते हैं बहुत ईजिली अगर थोड़ा सा भी वो ख़राब हो गया वो क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है उसी को हमें 10 साल 15 साल चलाना होता है, उसी को 4 बार हम लोग मैकेनिक बुलाएंगे, उसको ठीक करवाएंगे। तो ये क्या होता है, ये सारा फैशन और टेस्ट में भी चेंज होता है, ठीक है। कि वो लोग क्या है कि एक दो बार अगर एक बार ख़राब हुआ सो दे कैन चेंज दैट प्रोडक्ट, बट हमारे क्या है कि वो जब तक एकदम ऐसा नहीं हो जाता कि वो जो मैकेनिक आए वो ये बोल दे कि अब ये नहीं बन सकता, तब तक हम लोग उसको क्या करते हैं रीयूज़ करते रहते हैं। सो सच वेरिएशन मेक इट कॉम्प्लिकेटेड टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, ऐसे वेरिएशंस क्या होते हैं ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसा हो जाता है कि हम क्या है जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिमांड और फैशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, मे बी अदर कंट्री में क्या हो वो उसकी डिमांड नहीं हो, वो लोग ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करते हो, तो ये डिज़ाइन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट फॉर द डोमेस्टिक ट्रेड। अब डोमेस्टिक ट्रेड अगर हम इंडिया में ही बात करें तो जितने भी सप्लायर हैं, ठीक है, जैसे आप जियो का ले लो, या जियो तो चलो इंटरनेशनल बिजनेस है, बट अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो बस डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक ट्रेड करी मतलब विद इन द इंडिया करी, तो उसे यहाँ के जितने भी कस्टमर्स हैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पता है कि वो उनको पता है कि ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला है ये प्रोडक्ट, यहाँ के लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट उनको पता है। बट अगर यही चीज़ वो फॉरेन में करो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना टेस्ट प्रेफरेंस और उनकी डिमांड फैशन दे ऑल आर डिफरेंट, तो उसको पहले स्टडी करना फिर उसके साथ उनके साथ ट्रेड करना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस इन द बिजनेस सिस्टम एंड द प्रैक्टिसेस। ओके, सो व्हाट इज़ डिफरेंस इन द बिजनेस सिस्टम एंड द प्रैक्टिसेस। सो दीज डिफरेंस आर मोर इन द इंटरनेशनल बिजनेस as comparison to domestic business. Difference in economic development, cost, economic infrastructure, market support services make it necessary for the firms dealing in international trade to adapt their production, finance, human resources and market plans as per the condition prevailing in the international market. Okay, what it is saying that these different are more in international business. Matlab, बिज़नेस करने का जो एक क्राइटेरिया होता है, उनका जो सिस्टम होता है, इट इज़ ऑल्सो टू मच डिफर इन द डिफरेंट कंट्री। उनके प्रैक्टिसेस का, बिजनेस सिस्टम का, दीज ऑल आर टू मच डिफर। सो दीज डिफरेंस आर दी मोर इन द इंटरनेशनल बिजनेस। ये क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसे डिफरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू डोमेस्टिक बिजनेस, बिकॉज डोमेस्टिक का क्या है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा बिजनेस सिस्टम में चेंज नहीं होता, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या है मोस्ट ऑफ दी जो है लोग यहाँ पे दिन में काम करते हैं। फॉरेन में क्या होता है कि टाइमिंग चेंज होती है, जो इंटरनेशनल जो जिस कंपनी में यहाँ पे देखे इंडिया में लोग क्या करते हैं वो लोग का शिफ्ट क्या होता है रात का होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बहुत डिफर होती हैं, अलग कंट्री की अलग अलग उसके पैटर्न होते हैं। सो डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस, कॉस्ट जो कॉस्ट हो रहा है इनकरिंग दी यानी प्रोड्यूसिंग दी कॉमोडिटी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे कैसे वहाँ पे बिल्डिंग्स हो गई आपकी, जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं, मार्केट सपोर्ट सर्विसेज जो भी मार्केट में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, मेक इट नेसेसरी फॉर दी फर्म्स डीलिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड टू अडाप्ट देयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दीज ऑल आर दी नेसेसरी फॉर दी फर्म्स के लिए एकदम नेसेसरी है जो डील किस में करी, इंटरनेशनल ट्रेड में जो डील करी, टू अडाप्ट देयर प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केट प्लान्स, ठीक है, एज पर कंडीशन दी प्रिवेलिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये सारे चेंजेस हैं कि उनके प्रोडक्शन की क्राइटेरिया कैसी है, वो कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, फाइनेंस कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज मार्केटिंग में कैसे प्लान करना है, तो ये सारा क्या है इंटरनेशनल मार्केट के ही थ्रू पूरा वैसे ही क्या करना पड़ेगा, अपने आप में अडाप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस सिस्टम होता है, पैटर्न होता है फॉर द डिफरेंट कंट्रीज, दे ऑल आर दी डिफरेंट विद दी इन दी डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, दे ऑल आर नॉट दी सेम।
सो सॉरी व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन सॉरी दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम एंड द रिस्क. सो पॉलिटिकल फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल इट्स आइडियोलॉजी एक्सेट्रा हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ऑपरेशंस. फर्म्स डीलिंग विद द इंटर्न trade need to make special efforts to understand the political environment for importer or exporter country also. Okay, political system or risk. हर एक country का जो political system होता है it is also bit different. Okay, हर एक country की जो भी political need होती है political parties होती हैं उनके mind setup होते हैं वो सब भी different होते हैं. Okay, तो political factors such as type of government कि किस type की government है उनकी आइडियोलॉजी कैसी है उनके आइडियाज़ उनके थॉट कैसे हैं हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिज़नेस ऑपरेशन. ये सारी चीज़ें बिज़नेस ऑपरेशन पे भी बहुत इम्पैक्ट करती है क्योंकि कोई भी गुड्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं हो सकता है. तो इसमें गवर्नमेंट का परमिशन बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सपोर्टिव है कि नहीं वो सपोर्ट करती है कि नहीं वो चाहती है कि गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो कि नहीं हो तो ये सब पे भी बहुत डिपेंड करता है. सो फर्म्स डीलिंग विद द इंटर्न ट्रेड जो भी फर्म डील कर रही हैं ये सारे इंटर्न्स के साथ जो भी वर्कर हैं ट्रेड नीड टू मेक स्पेशल एफर्ट्स. तो ट्रेड को क्या है बहुत स्पेशल एफर्ट करना है टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. ठीक है किस लिए कि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझने के लिए ऑफ इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर कंट्री ऑल्सो. मतलब हमें क्या करना है हम जिस कंट्री में इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स को एज वेल एज जो हम कंट्री में जहाँ से इम्पोर्ट करें जहाँ पे एक्सपोर्ट करें उनके हमको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा. अब हम अपनी कंट्री में अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे हैं लोगों की आइडियोलॉजी कैसी है लोगों के थॉट्स कैसे हैं. बट अगर हम लोग किसी और कंट्री के बारे में देखते हैं जब हम किसी और के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो उनके आइडियोलॉजी होते हैं दे ऑल आर दी डिफरेंट. ओके सो अभी जब भी इम्पोर्ट करना हो कंट्री को एक्सपोर्ट करना हो तो वहाँ के कोई भी कंट्री के बहुत स्पेशल एफर्ट्स करके हमको क्या करना पड़ता है उनके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है. ओके नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़. एवरी कंट्री ईच कंट्री has its own set of laws and regulation. Tariff and taxation policies differ from nation to nations. Most of the time, there is some kind of discrimination against foreign product, services and capital. Okay, देखिए हर एक कंट्री की पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग होंगी. जब उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग होंगी तो उनके पॉलिटिकल सेटअप भी अलग होंगे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग होंगे उनके लॉज भी डिफरेंट होंगे. अब यहाँ पे जो भी है कि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की और जो भी यहाँ पे जितने लॉज बने हुए हैं ये थोड़े कि वो किसी और कंट्री में भी सेम है. दे ऑल आर डिफरेंट क्योंकि हर एक कंट्री में अब उनकी अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही ये सारे चेंजेस हुआ करते हैं. ठीक है तो पॉलिटिकल फैक्टर सच एज सॉरी ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ लॉज. हर एक कंट्री के अपने लॉज होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हर एक कंट्री को क्या करना पड़ता है फॉलो करना पड़ता है. एंड टैरिफ इज़ द इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स. टैरिफ क्या होता है एक टैक्स होता है जो भी गुड्स इम्पोर्ट हो रहे हैं मतलब हम अमेरिका से अपने गुड्स को इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे हैं तो टैरिफ इज़ द टाइप ऑफ टैक्स विच इज़ इम्पोज ऑन दी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट. जो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट हैं जो हम किसी और कंट्री से मंगा रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट पे जो भी कॉस्ट लगता है जो भी टैक्स लगता है दिस इज कॉल्ड दी इट इज़ कॉल्ड दी टैरिफ. एंड दी टैक्सेशन पॉलिसी की टैक्सेशन पॉलिसी जो भी कंट्री की हर एक कंट्री की टैक्सेशन पॉलिसी अलग होती है. मे बी इंडिया में कोई भी गुड्स इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 20% लग रहा है तो ये नहीं ज़रूरी है कि अमेरिका में भी 20% लगे उनका मे बी वो 22 भी हो सकता है और वो 18% भी हो सकता है. सो ये क्या है ये टैक्सेशन पॉलिसीज आल्सो डिफर फ्रॉम नेशन टू नेशन. हर एक कंट्री हर एक नेशन के में ये जो पॉलिसीज़ होती हैं टैक्सेशन पॉलिसीज़ टैरिफ जो होता है दीज ऑल आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम दी नेशन टू नेशन.
हर एक नेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ओके, हर ज़्यादातर यही होता है कि बहुत काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है अगेंस्ट दी फॉरेन प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कैपिटल. मीन्स अगर एक ही कंट्री क्या करिए किसी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ एज इंटरनेशनल बिजनेस करी है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है. मे भी मेरे अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन हो, ठीक है, मेरा अच्छे रैपोर्ट हो, तो मैं उनमें जो चार्ज करूँ वो 20% करूँ, बट जापान के साथ मैं क्या कर रही हूँ इसको 24% कर दे रही हूँ इम्पोर्ट करने पे. तो ये सारे क्या हैं, यही डिस्क्रिमिनेशन